मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ कार में, मैं किसी के साथ कार में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। राखी सावन अपना हेयर कट करने आई तो उनसे एक नेटिजन ने सवाल किया कि आपको क्या ख्याल है जो आजकल चल रहा है, ये शर्लिन चोपड़ा ने आपने जो कुछ बताया है। तो शर्लिन चोपड़ा का शुक्रिया अदा करते हुए राखी सावंत ने कहा कि मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे सारी हकीकत बता दी, वरना आदिल और राशरी ने तो मुझे प्लान बना लिया था कत्ल करने का और मेरे साथ ये पता नहीं क्या करते। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ शर्लिन का कि उसने मुझे सारी हकीकत बताई। और जो मुझे बताया है शर्लिन ने कि आदिल और राशरी ये लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे कि मुझे कहीं दूर लेके जाके खाड़ी में मार देना चाहते हैं। थैंक यू शर्लिन कि तुमने लाज रखी मेरे खुदा की और 20 साल की दोस्ती की कि तुमने तुमको सच पता चला कि वो लोग क्या करने वाले थे। जब शर्लिन को सारी चीज़ें पता चली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कल आके मुझे सब मीडिया के बाहर जाके गाड़ी में मुझे उसने सब बताया।